गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द राघव व्लॉग्स। अभी बज रहे हैं रात के 2 बज रहे हैं। अब रात के 2 बजे यार क्या करें, मुंबई करके व्लॉग देख लिया, मुंबई करके व्लॉग देख लिए तो नींद आती नहीं है। व्लॉग पे व्लॉग देखने से अच्छा मैंने सोचा अपने दोस्त को बुलाया जाए, क्यों ना 24/7 चला जाए, थोड़ी सी छोटी सी राइड हो जाएगी और थोड़ा दिल भी खुश हो जाएगा। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 2 और अभी हम बाहर हैं। ये है अर्णव, तो अभी हेलमेट मेरे साथ में ही है, अभी मैंने उतार रखा बिकॉज बहुत स्लो चल रहे थे तो 20-30 किलोमीटर है। अभी बस यहाँ से जा रहे सीधा घर, बस ऐसे ही मन कर रहा था यार एक्चुअली मुंबई करके ब्लॉग देख ले थे। आपको पता है अगर मैं ब्लॉग देख ले तो क्या हाल होता है। अभी हम हैं यहाँ पे, ये रोड सीधा द्वारका जाता है, बड़ा मजा आ रहा है यार। बस अब घर चलते हैं, हेलमेट पहन लेते हो, मैं जल्दी से चलते घर और मिलता हूँ मैं आपसे सुबह। चलो एक्चुअली माउंट भी टूट गया, इसका माउंट टूट गया इसलिए एसडी कैम से ब्लॉग नहीं कर पा रहा, तो मैं आपको घर जाके कल सुबह मिलता हूँ। 6.5 hours later सुबह हो चुकी है, अभी बज रहे हैं 10। मैं उठ गया था 1.5 घंटे पहले। अब जो है मेरे को मेन काम है, जो मैं रात को जब बाइक निकाल रहा था, एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा हेलमेट बाइक पे था और अचानक से मेरा स्टैंड हट गया। बाइक गिरनी नहीं थी, मेरे को भी पता था क्योंकि साइड में दीवार थी, तो हेलमेट को झटका पड़ा और हेलमेट गिर गया, तो उसका माउंट जो है निकल गया, कहाँ गई माउंट निकल गया ये, और यहाँ से अब ये माउंट फिर से लगाते हैं क्योंकि मेरी मुंबई राइड आ रही है और मैं नहीं चाहता कोई भी दिक्कत, तो मेरे पास इसमें सारा सामान है लगाने का। तो लेट्स बिगिन, इसको लगाते हैं और उसके बाद अभी सिद्धार्थ को फ़ोन करते हैं, देखते हैं कितनी देर में चलना है। सो एज यू कैन सी दिस इज़ माई एक्शन कैमरा SJ Cam 7 Star। इसकी स्क्रीन की कंडीशन काफ़ी गंदी हो रखी है। अब मुंबई राइड के आने के बाद मेरे को 2 चीज़ें चेंज करनी है, एक तो अपना जैकेट, राइडिंग जैकेट, और साथ ही साथ एक्शन कैमरा, जो कि मैं मुंबई से आते कर लूँगा क्योंकि 24 तारीख को पेमेंट आनी है। जिस दिन 24 तारीख को पेमेंट आएगी उस दिन खर्चा। प्लान तो वैसे 2 बजे जाने का था बट अभी 1:15 हो रहे हैं, फ़ैन के नॉइज़ के लिए सॉरी, बहुत गर्मी हो रही है। अब निकलते हैं चलो यहाँ से, और थोड़ा वाइड एंगल लग रहा होगा, हाँ तो निकलते हैं यहाँ से करोड़ बाग के लिए। सो मैंने कल जाना के लगवाए थे, मैंने आपको जो है लुक नहीं दिखाया था, जो बाइक का लुक आ रहा है आप देख लो, और कल ऐसे ही हेलमेट रखा हुआ था तो धार नीचे गिरा था जब माउंट निकला था। कोई नहीं, तो शॉर्ट्स एंजॉय करो। थोड़ा सा चेंज, सिद्धार्थ बाइक से नहीं कार से आ रहा है, अभी उसकी कॉल आई तो कार पे जाएंगे, आज कार से ब्लॉग बनाएंगे, क्या दिक्कत है हमें। एक्शन कैमरा जो है पूरी हालत ख़राब हो गई है कसम से, बैटरी भी फूल गई है उसकी और बैटरी इंडिया में डिलीवर नहीं हो रही, पता नहीं क्यों ऐसे कैम की, बट मैं इस बारे में बहुत गुस्से में हूँ। अभी वो जल्दी आता है फिर निकलते यार, अच्छा वो गाड़ी ला रहा, थोड़ा रिलैक्सड होके जाएंगे बिकॉज कल भी पूरा दिन राइड करनी है। ओके तो मेरी चैट करोड़ बाग, एज यू कैन सी यहाँ की स्ट्रीट कल भी यहीं पे थे। अभी इसको जैकेट लेनी है, जल्दी लेते हैं और मेरे को सामान लेना, मैं वो सामान ले लेता हूँ। अगर कल को आप जैसे इनको लूज करने लग गए ना, तो इनको लूज नहीं कर पाओगे कोई भी एक। सो अभी मैं जो जैन चावल वाले पे था, अभी लंच लिया है, अभी इसकी जैकेट हमने ऑर्डर कर दी है, देखते कितनी देर में आती है। अब करोड़ बाग जाते हैं और इसकी जैकेट उठाते हैं। सो वी रीच एट राइडर्स प्लेनेट, अभी जैकेट ले लेते हैं, आई होप आ गई होगी क्योंकि अभी घर को निकलना है, 4 बज रहे हैं। हाँ जी सर जी, आ गई जैकेट, आ गई, और वो वाइजर भी आ गया, वाइजर दिखाओ कौन सा वाइजर। दो शेड में है, ब्लू में, ग्रीन में।
हाँ आ गई, एक तो ये शेड आया है और ये रेनबो है। ये वाली ग्रीन रेनबो है कोई या ब्लू रेनबो? अच्छा दोनों है रेनबो, वो ब्लू शेड में। चलो फिर मेरे को ना, तो मैंने जो है वाइजर भी ले लिया और कवर भी ले लिया है। 1100 का वाइजर, व्हाट द फक, 1100 सही लग रही है। इसे देखिए एवेंजर्स, यही है मार्वल का वाला एवेंजर। सो गाइस मैंने एक जो है वाइजर ले लिया था, वो 1100 का वाइजर था, इसलिए मैंने राइडर्स प्लैनेट वाले को कॉल करके कहा भाई मैं कुछ और ले रहा हूँ 1100 की जगह, आप मेरे को कुछ और दे दो 1100 में और मेरा ल्यूब आ जाएगा और दो तीन चीज़ें आ जाएंगी जो मेरे राइड में इस्तेमाल होगी। नहीं 1100 बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा एक वाइजर के लिए। उसने स्वैप भी कर दिया जल्द से जल्द। अब चलते हैं वहाँ पे फिर से यार, करोड़बाग अभी सीपी के साइड है, अब फिर से करोड़बाग जाना पड़ेगा। सो फाइनली गाइज मैंने वाइजर वापस कर दिया और मैंने मॉड्यूल का चेन लूप ले लिया है। अब मैंने मॉड्यूल का चेन लूप कर ले लिया है तो मैं सुभांशु को बोलूँगा भाई राइड के लिए आप क्लीनर ले लो, ठीक है। और इसकी भी जैकेट आई गई, अब ये मतलब प्रॉपर वाला राइडर बन चुका है जो फुल गियर्स पहन के चलाता है, पहले सिर्फ नी गार्ड्स और ग्लव्स पहनता था। तो अच्छा रहा दिन, बहुत मज़ा आया, बहुत भाई इसके भी दोस्त आए, बहुत मज़ा आया। जैकेट ले ली है, बाइक का कवर ले लिया है। एक्चुअली जो मैंने बाइक का कवर फर्स्ट डे ही लिया था बाइक का, वो फट गया था हैंडल के साइड से, मैंने कहा ये इम्पोर्टेंट है। और मज़ा आया मेरे को बहुत ही ज़्यादा। और अब जो है कल KTM की राइड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट राइड है, क्योंकि वो स्पेशली KTM ड्यूक 390 और RC 390 वालों के लिए है। तो मेरे को स्पेशली बोला है कि उन्होंने KTM वालों ने कि बहुत अच्छी राइड होने वाली है, पूरा कवरेज करना। अब वो अप्रोच कर रहे हैं तो हमें तो करना ही पड़ेगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लास्ट में थोड़े टाइम लैप्स चला देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग एंड ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट व्हाइल यू ड्राइविंग। बाय गाइस, लव यू ऑल। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना इस वीडियो को, यहाँ से फैला दो। So I thought I needed. Ooh.